नमस्कार दोस्तों, लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। कटेरी विधानसभा में हम लोग मौजूद है। कटेरी में उपचुनाव होने वाला है। अयोध्या की बगल की सीट है, काफी ज्यादा हाईलाइट सीट है। बात की जाए कटेरी की तो काफी ज्यादा अहम हो जाता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। ऐसे में कटेरी में बहुजन समाज पार्टी का भी गढ़ रहा है और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग रही है। तो ऐसे में जब हम जा रहे थे, चौराहे से गुजर रहे थे, एक दुकान दिखाई दी, तो हमने सोचा कि दुकान पे चलते हैं। यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे यहाँ का माहौल जान लेते हैं, और माहौल जानने के लिए चलते हैं दुकान पे। हम जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात भी करेंगे और कटेरी का क्या माहौल है जानने की कोशिश की जाएगी। क्या लग रहा भैया, किसका माहौल है यहाँ? भैया बीजेपी का माहौल है, अवधेश भैया का चर्चा पूरी है एकदम भरपूर। और हम नट समाज से हैं, ठीक है, और पूरी नट समाज जो है सब भैया के सपोर्ट में है, सब बीजेपी का। अच्छा, नट समाज का कितना वोट होगा इस विधानसभा में? समय 4,000 वोट है। 4-5 हजार वोट है, तो 4-5 हजार वोट है नट समाज का। तो एक समीकरण ये भी सेट होता है कि 4-5 हजार जो ये वोट है ये किस तरफ जाएगा, क्योंकि इससे पहले का जो चुनाव था करीब 6 हजार वोटों का अंतर था। अवधेश द्विवेदी जो हारे थे चुनाव और समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते फिर लालजी वर्मा जी यहाँ से, तो ऐसे में 6 हजार वोटों का अंतर था, उसको कैसे कवर किया जाएगा? नहीं, वो कवर हो जाएगा। नट समाज जो जितने हैं वो सब हमारे साथ हैं। नट समाज जो है हमारे साथ हैं, सब बीजेपी का, सब एकदम चिल्ला रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे और लोगों से हम बात करते हैं। उससे पहले आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि आपके हिसाब से कटेरी उपचुनाव कौन जीत रहा है, बीजेपी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी? क्या कहेंगे आप, कौन बाजी मार रहे हैं? मैं विवेक धर द्विवेदी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी। 86 हजार वोट से भाई साहब पाए थे, 91 हजार या 92 हजार वोट लालजी वर्मा पाए थे, चुनाव जीते थे। आए दिन चुनाव में कहीं न कहीं घटनाएं फैलाते हैं, कहीं न कहीं दंगा कराते हैं फालतू का, उससे इनको कोई न कोई जनता में फैलाते हैं कि कोई गलत कर रहा, कोई सही कर रहा, इसी वजह से इस चुनाव जीते। इस बार जनता पूरा माहौल बना लिया है कि द्विवेदी जी को हर हालत में कटेरी का विकास कराना है। लगातार 2017 से लेकर 2022 तक लालजी वर्मा बसपा से विधायक थे, क्या काम के कटेरी की जनता देख रही है। कटेरी का स्थिति बहुत ज्यादा लाचार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी क्या कर पाएंगे, जब यहाँ का विधायक ही नहीं भाजपा का है तो क्या कर पाएंगे? अब की बार अवधेश द्विवेदी जी को यहाँ का विधायक बनाया जाएगा। यहाँ की जो स्थिति ध्वस्त होती जा रही है, बहुत ही अच्छी स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ से अवधेश द्विवेदी जी विधायक बनने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कटेहरी की आवाज बोल रही है। आप चलिए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि कटेहरी में बीजेपी जीतने वाली है, ऐसे में यहाँ पर दुकान में अंदर पहुंचते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग, उनसे हम बात करेंगे, उन सबकी क्या राय जानने की कोशिश की जाएगी। कटेहरी से कौन बाजी मार रहा है, समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत रही है? बीजेपी से अवधेश दुबे जी निकलेंगे और उनके जैसा कोई सच्चा इंसान या समाज में कोई नहीं है। तो अगले चुनाव में कैसे हार गए, 6000 वोटों का अंतर था करीब? वो अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा अवधेश जी से बढ़िया इंसान या इमीडिएटली आप देखिए उनका जो व्यवहार एरिया के अंदर है वैसा व्यवहार किसी व्यक्ति का मिलेगा नहीं। ये चुनाव काफी ज्यादा अहम हो जा रहा है बीजेपी और समाजवादी दोनों के लिए। समाजवादी पार्टी हो, चाहे मुलायम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन द्विवेदी के अलावा कोई भी नहीं यहाँ निकलेगा। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश की जाएगी। करीब 6000 वोटों का अंतर था, ऐसे में क्या लग रहा है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी बीजेपी कारण क्या रहेगा बीजेपी के जीतने का, क्योंकि इससे पिछले चुनाव तो बीजेपी यहाँ काफी कमजोर रही? काफी कमजोर रही वो पिछला चुनाव था, ये उपचुनाव है, यहाँ बीजेपी बहुत अच्छे से मजबूत रहेगी। यहाँ अवधेश द्विवेदी जी चुनाव लड़ेंगे, टिकट पाएंगे तो, और हम लोग उनके साथ रहेंगे। अवधेश द्विवेदी की अगर बात की जाए तो काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी, अयोध्या के बगल की ये विधानसभा सीट है, तो क्या लग रहा है आपको? जीतेंगे चुनाव, चुनाव जीतेंगे, कटेरी की जनता बोल रही है यहाँ से। चलिए, और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है, क्या कारण है, कौन जीतेगा या से कौन मारेगा बाजी? देखिए, जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, और जो विधायक रहे यहाँ से लालजी वर्मा जी, वो यहाँ कुछ किए नहीं, और मैं तो कहता हूँ कि कुछ करते भी नहीं भाई, हो सकता है पैसा भी बहुत उनके पास हो, चुनाव नजदीक आते आते बवाल कराते हैं,
जगह जगह झगड़ा करा देंगे, यहाँ भैया जो है हमको द्विवेदी मार रहे हैं, फलाना मार रहे हैं, फर्जी एकदम। अब जनता समझ चुकी है, इस बार सारी जाति के लोगों का मूड है कि द्विवेदी जी को 2.5 साल लिए देखा जाए एक बार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अयोध्या में 12 साल की लड़की के साथ जिस तरीके का कृत्य होता है, लगातार आप देख रहे हैं बाबा का बुलडोजर भी वहां पर चल रहा है, लेकिन जो सपा के नेता हैं, चाहे अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हो, चाहे यहाँ के जो सांसद है आपके अम्बेडकर नगर के, सब मौन रहते हैं, क्या कारण है? देखिए, जहाँ सांसद बनने की बात है, ये तो केवल आपके ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आम जनता को बेवकूफ बना के चुनाव जीत लिया गया, सिर्फ ये करके आरक्षण पारक्षण ये सब क्या है वो, जबकि आरक्षण एक संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया संविधान है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन एक बेवकूफ जैसे गांव पहुंच गए, गांव के लोग सीधे होते हैं, सज्जन होते हैं, उनको बताया गया आरक्षण खत्म हो गया, आरक्षण खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस चक्कर में अन्यथा ना अयोध्या और ना अकबरपुर, दो सीटें भाजपा ने हारती। अच्छा, ये जो पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा की बात कर रहे थे, दलित की बात कर रहे थे, गरीब की बात कर रहे थे, निषाद परिवार की, गरीब परिवार की 12 साल की उम्र थी उसकी, 12 साल की उम्र आप लोग समझ सकते हैं कितनी उम्र होगी, क्या उसकी तकलीफ रही होगी, कितनी उस बच्चे की समझ होगी, और उसके साथ जब ये गलत होता है तो एक हफ्ते 10 दिन का समय इन लोगों को लग जाता है, तब इनको पीडीए और निषाद और पिछड़ा नहीं दिखाई देता। किसको? समाजवादी पार्टी। देखिए, वो नहीं बोलेंगे, उनको एक एक तबके का वोट साधना है, वो नहीं बोलेंगे, और ये आज नहीं, हमें तो लगता है कि आने वाला कल जो है, अगर जनता नहीं जागी तो बड़ा भयावह माहौल होगा, और ये किसी को बख्शेंगे नहीं। ऐसे में निषाद वोट जो है, मैं माफी चाहूंगा, निषाद वोट जो है कटेरी में अच्छा खासा वोट बैंक है निषाद का, यहाँ के निषाद क्या सोचते हैं और कटेरी में क्या माहौल है जानने की कोशिश की जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा कि आपके हिसाब से कटेरी विधानसभा उपचुनाव कौन जीत रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा अहम चुनाव हो जाता है, पूरे भारत की जो निगाह है इस समय कटेरी और मिल्कीपुर उपचुनाव पर है। मिल्कीपुर का भी लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, 2-2, 3-3 लाख लोग देख रहे हैं। कटेरी की भी बहुत सारी कवरेज हमने दिखाई है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। ऐसे में कुछ लोगों से और जान लेते हैं, क्या लग रहा है, सब लोग बीजेपी का एक सुर पकड़े हुए हैं, आप क्या कह रहे हैं, किसकी तरफ से कौन जीत रहा है? भाई, यहाँ से जो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाएगा, मुख्य रूप से अगर अवधेश द्विवेदी जी टिकट पाते हैं यहाँ से, तो उनका बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा। और पीडीए का जो फार्मूला था, पीडीए मतलब भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, देख रहे हैं अभी बगल में ही भदरसा में कांड हुआ, 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, और पीडीए एकदम मौन है, उसमें कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता उसमें शामिल हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, और अभी इसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में र्यूमर इन लोगों ने फैलाया कि संविधान बदल जा रहा है, फलाना धमाका ये सब हो जा रहा है, फार्म भरवा रहे थे जगह जगह पे जाके कि आपको 8500 रुपए मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं मिला, सिर्फ इन्होंने फ्रॉड किया, जनता को बेवकूफ बनाया, और जनता ने इस बार मन बना लिया है उपचुनाव में कि इस बार कटेहरी की जनता ने मन बना लिया है कि अवधेश द्विवेदी को भारतीय जनता पार्टी से विधायक बना के ही रहेंगे, और अवधेश द्विवेदी सर्व समाज के नेता हैं, ऐसा नहीं है कि वो पंडित हैं, सिर्फ पंडित वाली ही करते हैं, सर्व समाज के नेता हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मैं यहाँ का जो समीकरण है कटेरी विधानसभा का, मैं आपको समीकरण, जातीय समीकरण जो है वो बता देना चाहता हूँ। करीब यहाँ लगभग 50,000 वोट बताया जा रहा है जो वर्मा वोट बैंक है, और लगभग 55,000 ब्राह्मण वोट बैंक बताया जा रहा है। ऐसे में 28,000 यहाँ पर यादव वोट बैंक भी है, और लगभग 55,000 और 60,000 यहाँ मुस्लिम वोट बैंक बताया जा रहा है। राजभर की भी बात की जा रही है तो 17-18 से 20,000 तक लगभग राजभर वोट बैंक है, और ठाकुर भी 27 से 28,000 है, और ऐसी अन्य बिरादर के यहाँ पर वोट बैंक है। तो जातीय जो समीकरण है वो क्या कह रहा है, उससे भी आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं। वैसे में यहाँ पर कुछ लोग जो और मौजूद है उनसे हम बात करेंगे, बाहर भी चलेंगे, बाहर जो लोग मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा कि आपके हिसाब से कटेरी में कौन बाजी मार रहा है। तो भैया क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? अवधेश द्विवेदी जी। अवधेश द्विवेदी जी, जितने लोग से हम बात कर रहे हैं जी, अवधेश द्विवेदी जी का नाम लिया जा रहा है, पीछे चौराहे पे हम लोग बात करें तो वहाँ समाजवादी चर्चा ज्यादा थी, क्या बात है? वो उनकी पार्टी से होंगे, उनकी बात कर रहे हैं, हम लोग दुबे जी के हैं तो दुबे जी की बात करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? पंकज कुमार गौड़। पंकज कुमार गौड़। अच्छा, गौड़ की वोट बैंक की अगर बात की जाए, लगभग 10-12 हजार वोट बैंक हो जाता है, तो गौड़ किधर जा रहा है? गौड़ इन्हीं की तरफ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ जी।
तो ऐसे में क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि बसपा से भी क्लियर हो गया है अजीत कुमार वर्मा जी का टिकट है जी, और समाजवादी पार्टी से छाया वर्मा का है जी, तो दो युवा हैं जी, और अवधेश प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो अनुभव है ये कह सकते हैं जी जी, तो क्या लग रहा है इनके बीच में जीत पाएंगे? हाँ जीत पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो था वो बीएसपी का वोट गुमराह के चक्कर में सपा में चला गया था, वो इस बार नहीं होगा बस। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो काफी ज्यादा पेच फंसा अभी कहा जा सकता है, अभी एकदम क्लियर नहीं कह सकते हो आप, और कमेंट बॉक्स में जो और भी कमेंट आ रहे हैं जब आप जाके कमेंट करेंगे तो आपको कुछ आइडिया वहां से भी लगेगा कि किसकी तरफ जा रहा है ये कटेरी का उपचुनाव। और ऐसे में जो पेच फंसा हुआ है कटेरी का, यहाँ की बात की जाए कि यहाँ की जनता जो है वो चुनाव को घुमा के रख देती है, अच्छे अच्छे नेता यहाँ पर फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे नेताओं का समीकरण यहाँ फेल हो जाता है क्योंकि कटेरी विधानसभा है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। मैं हूँ दिग्विजय और आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज़ स्टोरी।